तो कंडक्टर लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखिए फर्स्ट एड कोर्स की जरूरत होती है, फिर उसके बाद आपको 2 दिन की रिफ्रेश कोर्स की ट्रेनिंग लेनी हो। आपको कंडक्टर लाइसेंस इस प्रकार से आप घर बैठे बना सकते हो। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंडक्टर लाइसेंस की, ये क्या होता है, कैसे बनता है, कितने दिन में बनता है और इससे आपको सरकारी जॉब कैसे मिल सकती है। तो आज हम विस्तार से इस लाइसेंस पे बात करेंगे। चलो समय को ना बर्बाद करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंडक्टर लाइसेंस की मोस्टली डीटीसी में लोगों को ज्यादा समझ में आता है कि अगर मेरे को कंडक्टर लाइसेंस बनाया तो मेरे को डीटीसी में भर्ती होना है, बट लेकिन उसके लिए बनाऊं कैसे। और आज की डेट में कोई किसी को गाइडेंस भी नहीं देता, क्योंकि कोई किसी को गाइडेंस देता है तो वो सोचता है कि मेरे से आगे ना निकल जाए। तो भाई मैं हूं ना आपके साथ, मैं गाइडेंस दूंगा और मैं चाहूंगा भी आप मेरे से आगे निकलो ताकि आप देश का नाम रोशन करो। तो कंडक्टर लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखिए फर्स्ट एड कोर्स की जरूरत होती है, जो 1 हफ्ते का पूरे ट्रेनिंग होती है और वो रेड क्रॉस से मिलती है। रेड क्रॉस से आप वहां से ले सकते हो, लोधी रोड में भी उसका ऑफिस है। पहला काम आपको वो रजिस्ट्रेशन करना है। जब आपका फर्स्ट एड का क्रॉस हो जाएगा वो आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दे देंगे, फिर उसके बाद आपको 2 दिन की रिफ्रेश कोर्स की ट्रेनिंग लेनी होती है, जिसकी 400 रुपए फीस होती है और वो मारुति IDTR में भी कर सकते हो और कई ऐसे इंस्टीट्यूट ऑथराइज कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, जो आप उनसे ले सकते हो। ये दोनों हो गए आपके। इसके बाद आप अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th का या 8th का जो भी, और एक आधार कार्ड, इसको लेके आपको parivahan.gov.in की साइट पे जाना है। कंडक्टर लाइसेंस न्यू अप्लाई पे आप क्लिक करोगे, उस फॉर्म को भरने के बाद में जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल सबमिट कर दोगे, करने के बाद आप फीस पेमेंट मत करो, उसका फॉर्म निकालना और आप अपने एरिया की जो आपने सिलेक्ट करा है, आपके एरिया में जो अथॉरिटी पड़ती है अगर वो बंद होगी तो वो कहीं ना कहीं जाके मर्ज हुई है, वो आपको वेरीफाई करना। अगर आपको नहीं पता चलता मुझे आप अपना एरिया कमेंट कर देना, मैं आपको अथॉरिटी गाइड कर दूंगा कि कौन सी अथॉरिटी में पड़ेगा आपका। आपको अपने डॉक्यूमेंटों की फोटोकॉपी देनी है और उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि मेरी पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाए। पुलिस वेरिफिकेशन के कोई चार्ज नहीं होते, कोई आटे वाला कोई भी आपसे चार्ज नहीं ले सकता। बकायदा उसे बोलोगे, अगर वो नहीं मानता नहीं सुनता, वो कुछ नई बात बोलता है, तो आप वहां के MLO से मिलो या उसके नीचे पहले इंस्पेक्टर होता है उससे मिलो, क्योंकि अथॉरिटी में धीरे धीरे करप्शन खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग पब्लिक को सही से गाइड नहीं करते, ताकि पब्लिक परेशान हो और ऊपर कंप्लेंट हो और ऑनलाइन का काम बंद हो जाए। कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन नहीं, काम अच्छा चल रहा है और ऑनलाइन होने से रियलिटी में करप्शन बहुत कम हुआ है, ये बात आप भी जानते हो। जब आपके घर पे वेरिफिकेशन आ जाएगी, वेरिफिकेशन होने के बाद 1 हफ्ते बाद आपको दोबारा RTO में विजिट करना है। रिपोर्ट का नाम होता है CRV, तो वो CRV रिपोर्ट जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट थी वो निकाल के वो अपलोड करने के लिए बोलेगा। जैसे ही अपलोड करेगा उसके 1-2 दिन में वो अप्रूवल कर देंगे, कंडक्टर लाइसेंस आपको हैंड टू हैंड दे देंगे। ये प्रक्रिया है कंडक्टर लाइसेंस बनाने की और ये 3 साल के लिए बनता है, इसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होती है। और फर्स्ट एड की भी जो ट्रेनिंग कोर्स करते हो उसकी भी, आप जो सर्टिफिकेट होता है उसको भी आप टाइम पे रिन्यूअल कराते रहना। जैसे DTC की भर्ती निकले आप भर सकते हो, आप एलिजिबल हो उसके लिए। स्कूलों में कंडक्ट लाइसेंस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें उन्हें कुछ रूल सिखाए जाते हैं कि कैसे चढ़ाना है, कैसे बात करनी है पब्लिक से, ये सारी चीजें सिखाए जाते हैं। हर किसी को कंडक्टर लाइसेंस नहीं मिलता, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन कई स्कूल इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें करना चाहिए। तो आपको कंडक्टर लाइसेंस इस प्रकार से आप घर बैठे बना सकते हो और एक ही विजिट करनी होगी RTO में, 1 या 2, उसे इजिली बन जाएगा। अगर कंडक्टर लाइसेंस के बारे में आज मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो। अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो एक वॉइस रिकॉर्डिंग आप मेरे को ड्रॉप कर सकते हो, ताकि मैं फ्री होके आपको वॉइस रिकॉर्डिंग का जवाब दे सकूं। आप दोस्तों आगे बढ़ो, मेहनत करो, इस चीज में मदद करने के लिए मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिला के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय भारत।